हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं हरियाली चिकन। यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की टेस्टी और यम्मी रेसिपीज मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रीन चटनी। उसके लिए लिया है मैंने पुदीना, धनिया, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, नमक, चाट मसाला। अब इन सबको थोड़ा पानी डालकर हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम मैरिनेशन बनाएंगे चिकन के लिए। ये हरियाली चिकन है इसलिए इसमें डालेंगे बहुत सारी ग्रीन चटनी, दही, दही बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर, चिकन मसाला। नींबू का रस, नमक, नमक इसमें कम डालें क्योंकि पहले चटनी में भी नमक डाला हुआ है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे चिकन के पीसेस को मैंने साफ़ करके रखा है। जो बड़े पीसेस हैं उसमें कट लगा देंगे और इस मैरिनेशन में डालते जाएंगे। अब इसे अच्छी तरह से मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। अब एक पैन को गरम कर लेते हैं। इसमें डाला मैंने सरसों का तेल और साथ में ही डालेंगे बटर। बटर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, इन सारे खड़े मसालों का अरोमा तेल में आ जाने देंगे। अब मैरिनेट किए हुए चिकन को इस पैन में डाल देते हैं। चिकन के बाद जो भी मसाला नीचे बचेगा उसे ऊपर से इसमें डाल देंगे और इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। देखिए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं और इसमें अच्छे से जूसेस छूट रहे हैं। अब इसे पलट कर फिर 2 से 3 मिनट तक ढककर पका लेंगे। इसमें डाल देते हैं कुछ खड़ी हरी मिर्चें। देखिए अब अच्छे से तेल छूटने लगा है और चिकन भी पक रहा है। अभी इसे फिर से हम इसी तरह चलाते हुए ढक ढक कर पका लेंगे।
देखिए अब बिल्कुल अच्छे से चिकन पक चुका है, उस पर ब्राउन स्पॉट आप देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से जब ब्राउन स्पॉट आ जाए तब आपको फ्लेम बंद करना है। इस रेसिपी को आप ट्राई करें और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। देखिए ये ब्राउन स्पॉट जो दिख रहे हैं, इस तरह से ब्राउन स्पॉट्स दिखने चाहिए और मसाला पूरी तरह से सूख जाना चाहिए। अब ये पक चुका है, गैस की फ्लेम को बंद करके इसे पैन में ही रहने देते हैं। चलिए अब सर्व करते हैं। यहाँ पे सर्व किया है मैंने सैलेड के साथ और हरी चटनी के साथ। लग रहा है ना बिल्कुल यम्मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।